हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स का कंसेप्ट समझा था कि कैसे हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप पहले उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सारा वहाँ पे है। और मैंने एक मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में मैंने मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है उसको डाल दिया है, और आप उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ही ज्यादा। तो चलिए एक बार फिर से आज टॉपिक वहीं से स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स निकालना सीखते हैं। और मुझे लगता है अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा तो 2×2 ऑर्डर का इनवर्स अब आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब 3×3 का मैंने बताया था, फिर से एक बार हम उसको समझते हैं। बात समझिएगा कितना बार आज रिपीट होगा। मेन जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो उसको वो जो निकालेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, वहां भी मैट्रिक्स का यूज आएगा, इनवर्स का यूज आएगा। सॉरी, तो इनवर्स अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर जितना इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे उतना बार इनवर्स का रिपीटेशन होगा। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब इतने बार रिपीट किया जा रहा है आप चीजों को समझिए, आप अपना एक तरीका डेवलप करिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं चीजों को। कुछ फिक्स्ड स्टेप है हमारा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का क्या क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, सपोज करिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने बताया कोफैक्टर का कंसेप्ट कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उतना कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर बोलने का मतलब क्या, साथी। हर एक एलिमेंट का अपना एक साथी होता है। अब वो साथी निकाला कैसे जाता है, तो मैंने क्या बताया, वो एलिमेंट जिस भी रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढक देना है, क्योंकि वो उसको वहां पे ढूंढ लिया होगा, उसका साथी ना तो इस कॉलम या ना तो उस रो में होगा। तब जो भी बचेगा आप उसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट के अंदर लिख दीजिएगा 5, 1, 2, 3। उसी तरह अगर हम 3 को ढके तो 3 इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2, 1, 2, 3। अगर 1 को 1 इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में ढक देंगे तो क्या बच जाएगा, 2, 1, 5, 1। तो ऐसे सारे वैल्यू को निकालना है। और कोफैक्टर में जहां पे भी रो और कॉलम का सम ऑड आ जाए वहां पे माइनस लगा देना है। जैसे यहाँ पे C11 कौन सा पोजीशन का साथी निकाल रही है, कौन सा पोजीशन का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 1, 1 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 1+1 2 हो गया और इवन है 2, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। 1+2 ये किस पोजिशन पे का साथी निकाल रहे हैं, तो थर्ड सम 3 आ जा रहा है, ऑड आ जा रहा है, तो माइनस लगा देना है। तो ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पिछली वीडियोस को देखे होंगे। तो बहुत ही केयरफुली उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में 20 नंबर कम से कम आता है इस चैप्टर से। और अगर आपका भाग्य ठीक रहा 40 नंबर दे देगा, 80 में 40 दे दिया, तो आप समझ सकते हो कि कितना आपका दिन सही है कि 40 आप आसानी से निकालिए, बाकी 20 कोई भी एक दो चैप्टर से निकाल सकते हो आप लोग। तो देखिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद क्या किया जाता है, तो जो भी कोफैक्टर एलिमेंट का आया है, अब एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है और जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर है वहां इसको रखना है। जैसे 1 का कोफैक्टर क्या था, 13, तो 13 लिखा हमने नया मैट्रिक्स में। 3 का कोफैक्टर क्या था, -4, तो -4 लिखा हमने। 1 का कोफैक्टर -3, तो -3। तो एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है जिसका एलिमेंट क्या होगा, तो जो कोफैक्टर जो साथी निकाले हैं वो होगा। कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करने के बाद उस मैट्रिक्स जो तैयार किया गया उसका ट्रांसपोज निकाला जाता है। ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या, आप रो को उठाइए उसको कॉलम बना दीजिए। जैसे पहला रो में क्या आ रहा है, 13, -4, -3, तो यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा 13, -4, -3। दूसरा रो उठाए -8, 2, 2, दूसरा कॉलम बना दिए -8, 2, 2। तीसरा कॉलम उठाए और तीसरा कॉलम बना दिए। और ये जो एडजॉइंट, ये जो आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो इस मैट्रिक्स का, इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
ये था थर्ड स्टेप। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद उसको डिवाइड किया जाता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ जो मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल रहे हैं, और जैसे ही डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा एडजॉइंट को तो आपका इनवर्स निकल जाएगा। अब मैंने बताया था कि आप ए डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाए, तो डिटरमिनेंट के लिए मैंने बोला था कोई भी एक रो या एक कॉलम उठाना है और उसका जो कोफैक्टर कोफैक्टर आया है साथ ही आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। जैसे अगर मैं रो वन उठाता हूं तो रो वन में क्या क्या है, एलिमेंट 1 3 1, 1 का कोफैक्टर 13 है तो 1 × 13 प्लस 3 × -4 प्लस 1 × -3। इसको सॉल्व करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो किसी में भी आप प्लेस कीजिएगा वैल्यू सेम आएगा। अगर हम इससे निकालना चाहते हैं तो 1 × 1 का कोफैक्टर -3 प्लस 2 × 2 का कोफैक्टर 2 प्लस 3 × 3 का कोफैक्टर -1, तो हमारा आंसर सब में सेम रहता तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल जाएगा। तो मतलब सिंपल भाषा में अगर कोफैक्टर दिया गया और एलिमेंट का वैल्यू दिया गया तो आप इनवर्स इजीली निकाल सकते हो। तो इनवर्स बोल रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकल जाए आप एडजॉइंट को डिवाइड कर दो। एडजॉइंट को डिवाइड करने का मतलब क्या, जो भी एडजॉइंट में कुछ एलिमेंट ही होगा तो सारे एलिमेंट को बस जो वैल्यू आया डिटरमिनेंट का उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ -2 आया था, -2 से हमने एडजॉइंट ये निकला था तो सारे में -2 से डिवाइड कर दिया था। तो आई होप आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ, और नहीं हुआ होगा तो अभी फिर से समझिएगा चीजों को, जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे तो आई होप आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो पाए। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड या अलजेब्रिक इक्वेशन कोई भी दे दिया उसका वैल्यू सॉल्व करिए और आंसर लाइए क्या होगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं x - y + 5z = 30, 3x + 2y - z = 15, x + 3y - 2z = 20। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये झारखंड बोर्ड में एक्चुअली आया हुआ था। तो कैसे एक इक्वेशन दे दिया है, तीन इक्वेशन दे दिया, बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। अब बात समझिए कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए दिमाग में रखिए तीन मैट्रिक्स तैयार करना है, अपने से तीन मैट्रिक्स तैयार करना है। कौन कौन तीन मैट्रिक्स तैयार करेंगे, तो कोई एक मैट्रिक्स ए तैयार करेंगे। तो आप बोलिएगा साहब बोलने से तो होता नहीं है, मैट्रिक्स तो तभी बनेगा जब उसका एलिमेंट मेरे को पता रहेगा। तो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट किसको रखेंगे इसको समझिए। तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसको फर्स्ट कॉलम में रख दीजिए। वाई दिया हुआ है तो वाई का जो भी कोफिशिएंट हो उसको सेकंड कॉलम में रख दीजिए। जेड का जो भी कोफिशिएंट हो उसको थर्ड कॉलम में रख दीजिए, आपका मैट्रिक्स ए तैयार हो जाएगा। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉलम 1 बना दीजिए ए का। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 3 1, तो बना दिया हमने फर्स्ट कॉलम। फिर y का जो कोफिशिएंट है, यहां -1 कोफिशिएंट है, -3y तो -3, -5y तो कोफिशिएंट -5 लिखना है, ठीक है ना। तो यहां कोफिशिएंट y का क्या, -1, यहां 2, यहां 3। z का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 -1 -2, एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब एक मैट्रिक्स तैयार करना है x, x बोलने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका आपको वैल्यू निकालना है उसको उसमें रख देना है। तो x का एलिमेंट हमको किसका किसका वैल्यू निकालना है, तो x का निकालना है, y का निकालना और z का निकालना है। तो इसका एलिमेंट x मैट्रिक्स का क्या हो गया, एक्स वाई जेड। फिर एक मैट्रिक्स तैयार करना है C, जिसका एलिमेंट कांस्टेंट होगा। आप सबको मैट्रिक्स का रूप दे रहे हो, बेचारे को नहीं दोगे तो ये सब तो लूट जाएगा।
तो लड़ाई तो करना नहीं है, तो हमने क्या किया, एक नया मैट्रिक्स सी तैयार किया जिसका एलिमेंट ही क्या है, 30 15 20। अब ध्यान से समझिए ये पैटर्न, बस आपको याद करना है ए इंटू एक्स बराबर सी, क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करिएगा देखिएगा दोनों बराबर ही आता है, तो इस पैटर्न को सिर्फ आपको याद करना है ए इंटू एक्स बराबर सी। तो अब क्या हम यहां से ये नहीं लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, तो सी बाय एक्स और जो इसको 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी, एक्स का वैल्यू निकालना है तो 1 सी बाय ए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ए इंटू एक्स, एक्स का तो 1 बाय ए इंटू सी, ये एक्स के बराबर। ध्यान से समझिए ए इंटू एक्स बराबर सी, हमने क्या बोला, आप ए को, क्योंकि ए का वैल्यू पता है और एक्स का वैल्यू निकालना है इसलिए एक्स को इधर रहने देंगे, तो एक्स बराबर सी बाय ए, और सी बाय ए जो है इसको लिख सकते हैं 1 बाय ए इंटू सी। अब यही क्या बोलता है कि भाई साहब ये जो 1 बाय ए है इसको हम लोग ये तो लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू सी, मतलब क्या कि जो ए मैट्रिक्स तैयार हुआ है उसका इनवर्स निकालिए और सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने का मतलब क्या कि जिसका इधर एक्स वाई जेड मैट्रिक्स आएगा और इधर जो भी मैट्रिक्स आए फिर बराबर करेंगे दोनों को, एक्स का वैल्यू वो सामने वाला हो जाएगा, वाई का सामने वाला हो जाएगा, तो निकालने से इजीली समझ में आएगा। बस आप इस पैटर्न को अभी दिमाग में रखिए कि ए इंटू एक्स बराबर सी, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स बराबर सी बाय ए हो जाएगा, 1 बाय ए को ए इनवर्स लिखेंगे तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू सी, मतलब क्या ए इनवर्स हमको निकालना है। तो अब ए दिया हुआ ये है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए का जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना होगा, तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मतलब C11, C12, C13, जितना एलिमेंट उतना कोफैक्टर, एकदम क्लियर रखना। ये A11 हुआ तो A11 का कोफैक्टर C11 हो गया, A12 हुआ तो C12 हो गया, A13 हुआ तो C13 हो गया। इसी तरह इसका पोजीशन क्या आएगा, A21, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C21, C22, C23। इसका पोजीशन क्या है, तो C31, C32, C33। आगे मैंने क्या बोला कि कोफैक्टर में आपका सम जहां पे भी रो और कॉलम का ऑड आए वहां पे माइनस लगा लेना है, तो 1 प्लस 1 2 नहीं है, इवन है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, 1 प्लस 2 3 इवन ऑड है यहाँ माइनस लगा देंगे, 1 प्लस 3 इवन है नहीं लगाएंगे, 2 प्लस 1 ऑड है माइनस लगा देंगे, 2 प्लस 3 ऑड है माइनस लगा देंगे, 3 प्लस 2 ऑड है माइनस लगा देंगे। अब देखिए साथी कैसे निकालते, सबसे जरूरी है कोफैक्टर निकालना। तो कोफैक्टर में हमने क्या बोला था कि आपको जिसका साथी निकालना है, C1 बोलने का मतलब क्या, इसका साथी निकाल रहे हैं, ये बेचारा इधर ढूंढ लिया होगा, इधर भी ढूंढ लिया होगा, तो ये जिसमें भी आ रहा है उसको ढक दीजिए, क्या बच जाएगा, 2 3 -1 -2, तो इसको एक कोफैक्टर के अंदर डाल दीजिए, क्लियर है? माइनस वन का साथी, माइनस वन बेचारा इधर भी ढूंढा होगा इधर भी ढूंढ लिया होगा, तो बच क्या जा रहा है उसको, ऑप्शन 3 1 -1 -2। सी 5 का निकालना है, 5 का साथी बेचारा 5 तो इधर भी ढूंढ लिया होगा इधर भी ढूंढ लिया होगा बट इधर नहीं जा सकता, मतलब यही कहीं होगा, तो क्या बच जा रहा है मेरा, 3 1 2 3। 3 का इसी तरह से 3 किसमें से यहां कहां ढूंढा होगा, तो एक इधर ढूंढा होगा एक इधर ढूंढा होगा, तो इसको और इसको ढकेंगे देखिए क्या बचेगा, -1 3 5 2 5 -2। तो आप ध्यान से अच्छे से एकदम ढक के आराम से बनाइएगा, क्लियर है? और बोल बोल के कोशिश कीजिएगा बनाने का। 2 कहां कहां किसको कहां कहां ढूंढा होगा, तो इसको और इसको ढक दीजिए तो क्या बन जा रहा है, 1 1 5 -2। -1
इसमें ढूंढा होगा और इसमें ढूंढा होगा, क्या बच जाएगा? 1, 1, -1, 3। वन किसमें ढूंढा होगा? इसमें ढूंढ लिया होगा, इसमें ढूंढ लिया होगा, तो इसका साथी क्या, मतलब इसमें ये बच रहा है मेरा -1, 2, 5, -1। 3, 2, 3 कहां ढूंढा होगा? इसमें ढूंढा होगा, इसमें ढूंढा होगा, तो 1, 3, 5, -1। 3, 3, -2 कहां ढूंढा होगा? इसमें और इसमें, तो क्या बच गया? 1, 3, -1, 2। अब ये डिटरमिनेंट है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो आपसे निवेदन है, आप पहले वीडियोस को प्लीज देखिए ताकि अच्छे से समझ पाइए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है फिर से सारी चीजों को बताना। 2 × 2 माइनस, अब ध्यान से देखिए, -1 × 3 ब्रैकेट दे देते हैं, पहले से माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 2 - 2 माइनस 1 × -1। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3 × 3 - 2 × 1, 3 × 3 - 2 × 1। यहां माइनस है, माइनस दे दिए, ब्रैकेट खोले, -1 × -2 माइनस, जब भी बीच में पहला क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस देंगे, 5 × 3 1 × -2 - 5 × 1। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट 1 × 3 माइनस दिए 1 × -1। इसी तरह इसका क्या होगा? तो -1 × -1 बीच में माइनस 2 × 5 यहां माइनस दे दिए 1 × -1 बीच में माइनस 3 × 5 या 5 × 3 1 × 2 माइनस दिए -1 × 3। क्लियर है? अब सारा का वैल्यू निकालिए, तो 2 × 2 = 4 बीच में माइनस है, अच्छे से सॉल्व करिएगा, यही अगर आप नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा। 4 - -3 -1 × 3 तो -3 हो जाएगा और आगे माइनस है, तो ध्यान से देखिए प्लस हो जाएगा, 4 + 3 = 7। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? आगे में माइनस है और ब्रैकेट में 3 × -2 -6 और -1 × -1 -1 आएगा और आगे माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। -6 + 1 तो क्या होगा? -5 और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +5। इसी तरह से ये क्या होगा? 3 × 3 = 9 -2 = 7 -2 - 15 तो -13 आएगा और आगे माइनस है तो +13 हो जाएगा। 1 × -2 तो क्या होगा? -2 और -5 तो -7। आगे में माइनस है और 3 × 3 = 3 -1 × -1 तो -1 आएगा और आगे में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4 और आगे माइनस है तो -4 हो जाएगा। मतलब आप अच्छे से सॉल्व करिए, आंसर ये आ रहा है या नहीं मिलाइए, और अगर नहीं आ रहा है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन में आप कहीं गलती किए हैं, ठीक है ना। -1 × -1 तो +1 हो गया, -10 तो 1 - 10 तो -9 बचेगा, माइनस आगे में -1 -15 तो -16 आएगा और -16 आगे में माइनस है तो ये +16 हो जाएगा। 1 × 2 = 2 -1 × 3 तो ये -3 और -, प्लस हो जाएगा तो +3 + 2 + 5 हो जाएगा। तो कोफैक्टर निकालना ही थोड़ा सा कठिन है, बस जैसे ही आप इसको निकाल लीजिएगा सारा काम हो जाएगा आपका। तो कोफैक्टर जैसे ही निकाले, फिर हम क्या बोले थे, एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है आपको इनवर्स निकालने के लिए, जिसमें एलिमेंट को नहीं रखेंगे बल्कि उसके कोफैक्टर को रखेंगे, उसके साथी को रखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, तो 1 का साथी क्या निकला है, कोफैक्टर क्या निकला है, तो 7।
तो 7 लिख दिया हमने, माइनस 1 का साथी क्या निकला 5, तो 5 हमने लिख दिया, 5 का साथी क्या निकला है 7, तो 7 को हमने लिखा, 3 का साथी क्या निकला है 13, तो हमने 13 को यहां रखा, 2 का साथी क्या निकला -7, -7 को रखा, -1 का साथी क्या निकला -4, तो -4 को हमने रखा, 1 का साथी क्या निकला -9, तो -9 को हमने रखा, 3 का साथी क्या निकला 16, तो 16 को रख दिया, -2 का साथी क्या निकला 5, तो 5 को रख दिया। तो ये हमारा नया मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका एलिमेंट कोफैक्टर है जो निकाले हैं। अब जैसे ही आप कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स तैयार कर लिए तो हम क्या बोले, इसका ट्रांसपोज लेना और वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहला रो उठाए 7 5 7 है, वो कॉलम बना दिए 7 5 7, दूसरा रो उठाए उसको दूसरा कॉलम बना दिए 13 -7 -4, तीसरा रो उठाए उसको थर्ड कॉलम बना दिए -9 16 5। अब इसको निकालने के बाद इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, जो मैट्रिक्स है तो ए है तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या बोला कि आप कोई भी एक रो उठाइए या कोई भी एक कॉलम उठाइए, तो इजी होता है पहला रो ही उठाने में, तो पहला रो उठाए उसके साथी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, जैसे 1 का साथी क्या निकला है 7, तो 1 × 7 प्लस -1 है, ठीक है ना, और -1 का साथी क्या है, -1 का साथी 5 है, +5 + 5 × 7। अब ध्यान दीजिएगा आप इसको भी ले सकते थे, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर हम इसको लेते तो 1 × 7 + 3 × 13 + 1 × -9 वो हो जाता, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए 1 × 7 7 प्लस -1 × 5 तो -5 प्लस 5 × 7 35, 35 में 5 गया 30, 30 प्लस 7 तो 37, तो 37 निकल गया वैल्यू डिटरमिनेंट का। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A 37 आया, तो A इनवर्स निकालने का बोलने का मतलब क्या, बाई 37, अगर थोड़ा सा होच पोच हो रहा है तो मिटाना पड़ेगा मेरे को, बट आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। देखिए ए इनवर्स निकल गया मेरा, ए इनवर्स जैसे ही ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स को यहां पे डिवाइड मत कीजिएगा, क्यों नहीं कीजिएगा देखिएगा, थोड़ा सा आप समझाएंगे हम थोड़ा सा बस आपको, आप इसको ऐसे लिखिएगा 1/37 जो डिटरमिनेंट वैल्यू है 1/a × वैल्यू क्या है 7 5 7 13 -7 -4 -9 16 5। अब देखिए ये A इनवर्स निकला, अभी तक हमको x y z का वैल्यू निकालना है, भटक मत जाइएगा, A इनवर्स सिर्फ निकला है, और x y z का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x बराबर A इनवर्स इनटू c है, मतलब क्या कि x बराबर A इनवर्स का वैल्यू क्या 1/37 × 7 5 7 13 -7 -4 -9 16 5 इनटू सी, सी का वैल्यू क्या निकला था कांस्टेंट का वैल्यू, तो कांस्टेंट का वैल्यू पहले लिखे थे हम लोग शायद मिटा दिए 30 15 20 ये निकला था। अब देखिए अब क्या है,
कि इसको मैंने इसलिए नहीं बोला कि अभी 37 कीजिए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो थोड़ा सा समस्या आ सकता है। इसका मेन काम क्या है कि बाद में फाइनल जो आंसर आएगा हमको सिर्फ चढ़ाना है बाय 37 बाय 37। तो पहले इसको सिंपल में मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 37, बाद में चढ़ा देंगे सारे एलिमेंट पे तो हमको निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो पहले इसका ऑर्डर लिखिए 3 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। तो पहला क्वेश्चन कि होगा या नहीं, तो देखिए 3 और 3 बराबर है मतलब होगा, और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितना ऑर्डर का होगा, तो 3 × 1 ऑर्डर का होगा। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1 बोलने का मतलब क्या, 3 रो 1 कॉलम, 1 2 3, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे अगर मेरे को A11 निकालना है तो हम क्या बोले थे, पहले वाले से रो निकाला जाता है और दूसरे वाले से कॉलम, तो एक ही है तो हमेशा वही कॉलम निकलेगा। इस बार लेकिन A11 में 1 रो है तो फर्स्ट रो को उठाएंगे, 7 × 30 + 13 × 15 + −9 × 20, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए A21 निकालना है तो सेकेंड रो को उठाए फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या हो जाएगा ये 5 × 30 + −7 × 15 + 16 × 20। उसी तरह अगर आपको A31 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7 × 30 + −4 × 15 + 5 × 20। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21, तो 210 प्लस 15 × 3 = 45, तो 5 लिखा हमने, 4 हाथ में बचा है, 15 × 1 = 15 + 4, तो 19 हो जाएगा। −× + तो माइनस आ जाएगा तो माइनस हमने लगा दिया, 9 × 20 क्या होगा, 180, तो 180। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, तो ध्यान से देखिए एक −180 और +195 है, तो −180 तो +180 को हटा देगा, बचेगा क्या यहाँ +15, तो 210 + 15 क्या हो जाएगा, 225 निकल गया मेरा। उसी तरह C22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 × 30 = 150 −7 × + 15, तो क्या हो जाएगा −105 + 16 × 20, तो 320। इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करिएगा, तो दोनों को नहीं होता तो पहले 150 में 100 को हटा दीजिए, −100 जो है उसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 50। अब 50 में −5 बच जो बचा हुआ है उसको भी हटा लेते हैं तो 45 बचेगा, तो +45 + 320 क्या हो जाएगा 45, 5 + 0 = 5, 4 + 2 = 6 और 365, ठीक है। A31 का वैल्यू क्या आ जाएगा इसी तरीके से, 210 - 60, तो 210। अब देखिए 100 में −60 हटा देंगे तो +100 है, तो यहां पे +40 बच जाएगा, +40 + 210, तो क्या बच जाएगा 250। तो हमको क्या निकल गया, इसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू निकल गया, A11 का वैल्यू कितना है 225 है, A21 का वैल्यू कितना आ गया 365 और A31 का वैल्यू कितना आ गया 250। अब ध्यान से समझिए बात, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, अब देखिए ये निकल गया है और हमको ये भी नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है A इनवर्स का मतलब x y z का वैल्यू, x का वैल्यू, तो x के अंदर क्या आता है x y z जिसका वैल्यू हमको निकालना है। दिस बराबर क्या लिख सकते हैं,
तो अब डिवाइड कर देते हैं 225 बट्टे 37, 365 बट्टा 37, 250 बट्टा 37। देखिए अब कंसेप्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स का। बोलता क्या है कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, जैसे इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 रो 1 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 3 रो 1 कॉलम, तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है जब हर एक एलिमेंट सामने वाला कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 225 बटा 37 हो जाए, y का वैल्यू 365 बटा 37 हो जाए, z का वैल्यू 250 बटे 37 हो जाए, मतलब xyz का वैल्यू निकल गया। तो यही फॉर्मेट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में क्या सेटअप करो, ये वाला फॉर्मूला a इंटू एक्स बराबर सी। यहां से समझिए चीजों को कि हमको निकालना क्या है x का वैल्यू। नहीं समझ पा रहे तो हमको दिया क्या गया है a का वैल्यू, तो इसको इधर किसको भेजेंगे x या a को, तो a का वैल्यू दिया गया, जिसको निकालना है इसको इधर रहने दे रहे हैं। तो a x बराबर c by a, और हमने क्या बोला आपको, इसी को आप इस फॉर्म में समझिए 1 by a इंटू c, ये क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू c, x बराबर a इनवर्स इंटू c। अब a इनवर्स निकालिए, c के साथ मल्टीप्लाई करिए, और जब आप इनवर्स निकालिएगा तो मैंने एक यहाँ पे चीज बताया कि एडजॉइंट बाय, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसको यहाँ पे डिवाइड मत करिएगा, इसको 1 बाय इस फॉर्म में रहने दीजिएगा, पहले c के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में जब आंसर लाना हो तब डिवाइड करिएगा, और फिर दोनों ये कोई x y z आएगा इधर, और इधर कुछ वैल्यू आएगा, और x बराबर ये हो जाएगा, y बराबर और z बराबर ये। तो ये इसका पैटर्न है। हमने सोचा था एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, बट थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको समझिए, और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि एक नया वीडियो लाऊं जिसमें एक दो क्वेश्चन और हम लोग इसको इस कंसेप्ट पे बनाए, दो ऑर्डर का भी बनाए, तीन ऑर्डर का भी बनाए, जिससे चीज और अच्छे से क्लियर हो। तो ये कुल मिला के तीसरा वीडियो था, और इसके बाद एक वीडियो और आने का संभावना हो सकता है। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बात है जो आप चाहते हो बताना, सजेस्ट करना, या कहीं भी परेशानी आ रहा है तो जिस मोमेंट पे आ रहा है उस टाइम को मेंशन करके बता दीजिए, हम उसको देख के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप यू विल लव दिस वीडियो।